सुशील है, वो हमारा लड़का है। हम भी बहुए वक्त तो हमारा भी पैरा 4 महीना हो गया टूटा है, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, रात पड़ा है। बन्नी मजूरी से वक्त तो डेढ़िया सवाई आपस से 10 रुपया सैकड़े का लेकर खवा था भराई धीरे धीरे जीवन रही थे। अब का करल जाए बहू, ओनहु यह काम करना बहू क्या यह कोई के भैया बहनी के मिल गए हरवाही चरवाही के या बन्नी मजूरी के लवन बिनियाई है कुल गरा मट्टी ईटा और का और कोई ना बात नहीं बहू। ये टूट गरल है पैर, वो अपने गाड़ी से ही पड़ रही काम करके जातलन अनमुनार हो गए रहल वल्ले ट्रक आवत रहल मोर रहल वहाँ दगमगपुर के आगे वही गिर गई ना। नहीं बाबू हम कहाँ पाए मजदूर आदमी तब बन है। अरे हमें बढ़िया कैलन बाबू ने बड़ी मदद कैलन कि हमारे यहाँ रहन नहीं काट बन बौलन दौड़ धूप के सब कुछ कैलन बाबू में कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। गरीब आदमी हमार हो जाते अच्छा अपने घर द्वारे जाए बाबू, राखी रखे के नहीं है हम लोग को बहुत दिक्कत बहुत है बहुत परेशानी में। बड़ा भैया लोगन मदद कैलन हमार की यहाँ तब हम खरीद के खा नहीं सकते ले तो यहाँ भोजन न मिलत रहा 4-8 जनता है बाबू जी रोटी तो नहीं तो बहरे के दिखत रहा नहीं तब बाबू जी कुछ नहीं तब घरे से खाना वही वाला नहीं यहाँ ले 5-5 किलो दूर बा कोई हैया नहीं बूढ़ा बाइन इनकर बीबी बाइन दूठे बच्चा लेके पड़ल बाइन रोबत बाइन है यह बात बाबू। नहीं बाबू गरीबी में हमें बहुत सहारा बाबू लोगन देला कि और यह बात कहो बाबू की दवाई बढ़िया से करवा ली आवल जाल कर ली बस 2500 बजे मरत आई खाए बजे के बखत कर्जा लेके तो यहाँ कैसो कैसो अली बाबू 2500 रुपया वो धीरे धीरे झम हो गए बन गल जीवन बन गल बाबू कहाँ पाइत पैसा कहाँ कर पाइत आ पाइत मिलबे न करत बाबू बहुत करी 10-5 हजार मिली कहीं कर्जा के दही कौने आधार पर दही टाड़ी टुकड़ा जकरे रहा ओकरे कर्जा मिलला अगर 2 बिस्सा 10 बिस्सा 12 बीघा बात तो लालचन दे दी हैं कि हमें लिख दी हैं अपने आइया ने राखी लगे के तो कहाँ पाइप की दी हैं कोई न दे बहू कोई न दही 10-5 हजार दे दी हैं याद ब्याज पर के दही वो तो कहीं अपने के मरत आ खाए बदे हमारे दही कहाँ से दही तो बढ़िया है बाबू की बहुत धन्यवाद बा बहुत राजा आयल इंदिरा से लेके राजू बाबू से लेके देगौड़ा से लेके के मर ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा कब्बो न राशन बटवाला न 2-3 साल से चला था कैसे पेट नहीं मोदी सरकार है और भगवान करे उन्होंने ऐसे ही रहल अपने गद्दी पर रहें से गरीबन का सुना है दोनों जने होगी बोगी बाबू। हाँ सर ऐसा है ये मरीज जो था ये लालगंज से आया हुआ था, बहुत ही गरीब मरीज था और इसके पैर की एंकल ज्वाइंट के साथ वहाँ दोनों हड्डियाँ बुरी तरीके से टूट चुकी थी और ये इतना गरीब था इसके पास कुछ भी 1 रुपये खाने के नहीं था तो ये ऑपरेशन बाहर तो करा नहीं सकता और उसके बाद ये वायरल मार्कर HBsAg पॉजिटिव था जो ये बाहर कभी भी किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकता कि ये करा पाए तो वो उसके बाद हम लोग इसे पूछे कि आयुष्मान कार्ड है कि नहीं आपके पास जिस तरीके से वो रो रहा था फिर इसका आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनवाएं और भी मरीज भर्ती हैं जिनके पास कार्ड नहीं होता है उसको हम लोग लखनऊ भेज के स्पेशल रिकमेंडेशन से उसको अप्रूव करा के कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मरीज जितनी भी सेवा आयुष्मान की तरह से हो हमारा मिर्ज़ापुर हम किसी तरीके से अपने मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज को जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है उसको ऊपर ले जाए स्टेट में और सबसे ऊपर ले जाने का काम करें। देखिए जिस मरीज का आज ऑपरेशन हुआ सुशील कुमार नाम के ये व्यक्ति था और 22-23 साल की उम्र थी, काफ़ी गरीब परिवार का था, काफ़ी दिनों से दर्द भटक रहा था, पैर की हड्डी टूटी थी और हेपेटाइटिस पॉजिटिव था, काफ़ी दिक्कतें थीं तो उसमें हमारे यहाँ मरीज भर्ती कराने के बाद मंडी चिकित्सालय में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजकुमार ने आयुष्मान के तहत उसका कार्ड भी मेंटेन करवाया, सब कुछ फीडिंग करवा के इसके बाद उसको आयुष्मान के तहत फ्री ऑफ कास्ट पूरे प्रकाशन लेके उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है और ऐसे ही ऑपरेशन अभी पिछले सप्ताह HIV पॉजिटिव किया गया है और ये हेपेटाइटिस का जो पेशेंट था ये आयुष्मान में हमारे इस महीने में करीब 12 केस हुए हैं और आज भी 2 पेशेंट को भर्ती करके आए, जैसा अभी पता चला है कि 2 केस और भर्ती हुए हैं। तो इस हमारी प्राथमिकता जो भारत सरकार की स्कीमें चल रही हैं उसके तहत जितना हम मरीजों को बेनिफिट दे सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता के तौर पर कार्य चल रहे हैं।